अरे ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, अरे बच्चे, अरे बच्चे, हम हैं सीधे साधे, अक्षय अक्षय, कभी बैंग कभी बुंग जैसे अक्षय। जाओ रिकनेक्ट, टन टन टन। तो कहाँ थे मैं, कहाँ था मैं था एक गाने पर जिसका नाम है अरे ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे, अक्षय अक्षय, कभी बैंग कभी पुंग जैसे अक्षय। अच्छा अब तुम कहोगे ये बात, मुझसे पूछोगे कि यार मोहित, तू तो मोहित है, अक्षय कब से बन गया? तो अक्षय ऐसा बन गया कि किसी ने मुझसे पूछा आज के लाइव चैट के टॉपिक के बारे में, और मैंने सबसे पूछा लाइव चैट के टॉपिक के बारे में, और उन्होंने कहा कि अपनी स्टोरी बताओ। और मोहित की इस सिंगिंग स्टोरी, इस लाइव स्टोरी का सबसे पहला पार्ट था ये गाना, हम हैं सीधे साधे, अक्षय अक्षय, कभी बैंग कभी पुं जैसे अक्षय। और तुम पूछोगे कैसे, वो ऐसे कि फ्लैशबैक में जाओ, आज से करीबन बहुत साल पहले की बात है, करीबन 20 साल हो गए, 20 साल पहले की बात है, और मैं प्रेप क्लास में था, और प्रेप क्लास में मुझे याद है कि मैं रेनकोट पहनता था पिंक कलर का, भले ही बारिश हो या ना हो उस टाइम पर, वो खिलाड़ी है ना 420, खिलाड़ी 420 पिक्चर रिलीज हुई थी अक्षय कुमार की, और उसमें वो अंडरटेकर से लड़ते थे, तो मेरे को मूवी बहुत पसंद थी, मैं उस मूवी का बहुत बड़ा फैन था, तो है ना मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ, फैन बन गया उसको उस मूवी के बाद में, तो मैं पूरे टाइम बस ये गाना गाता रहता था। तो हमारे स्कूल में, हमारा स्कूल था भारतीय शिक्षा मंदिर BSM, तो जी BSM स्कूल था हमारा उस टाइम पे प्रेप क्लास तक, तो प्रेप क्लास में मैंने है ना कॉम्पिटिशन, वहां पर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हुआ था, वहां पे सिंगिंग, सोलो सिंगिंग कॉम्पिटिशन हुआ था, तो दोनों में मेरी मम्मी ने मेरे को पार्ट दिलवाया, और ड्रेस क्या पहनी मैंने, वही पिंक कलर का रेनकोट जो मुझे बहुत पसंद था, मैंने वो पिंक कलर का रेनकोट पहना, और जी चल दिए फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में और सोलो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में अक्षय कुमार की तरह मैंने गाना गाया, और जो तो डांस किया, पता नहीं क्या डांस किया, पर मम्मी कहती मैं फर्स्ट आया, सर्टिफिकेट भी मेरे पास, मैं दिखाऊंगा, झूठ नहीं बोल रहा मैं। और जी उसी टाइम मैंने लाइफ में सबसे पहले सोलो सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया, और सोलो सिंगिंग कंपटीशन में तुम्हारा मोहित जीत गया इसी गाने से, हम हैं सीधे साधे, अक्षय अक्षय, कभी बैंग कभी बूम जैसे अक्षय। तो जी ये स्टार्टिंग थी अपने सिंगिंग लाइफ की, उसके बाद में कभी गाना वाना क्या होता है कुछ पता नहीं, बस सुनता था, मजे आते थे, तो कुछ ऐसी से स्टार्ट हुई थी जिंदगी। सुनाओ बीच बीच में ऐसी कुछ भी जो भी फील आ रही है मेरे को, ऐसा लगता है कभी कभी मैं बोलता बहुत हूँ ना, तो बोलने के चक्कर में गाना वगैरह नहीं सुना पाता हूँ। अपनी स्टोरी तो सुनाऊंगा, इस बीच में कुछ भी गाने सुना दूंगा अपने मन से, कुछ मतलब इसका कुछ क्या कहते हैं उनको, इन घटनाओं का किसी भी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा ऐसे कुछ है इन गानों का जो मैं बीच बीच में गाऊंगा, उनका स्टोरी से कुछ लेना देना है नहीं, पर मेरे को बड़ा मजा आ रहा है इसलिए मैं गा रहा हूँ। क्योंकि युवराज सिंह ने आज कमेंट किया था कि उसको, युवराज सिंह अपना दोस्त है अपना, युवराज सिंह ब्रो, तो युवराज ब्रो ने आज कमेंट किया था उसको राजस्थानी सॉन्ग सुनना है, तो ये सॉन्ग उसके लिए, और मुझे बड़ी फील आ रही है इसलिए मैं गा रहा हूँ। हो हरी सरारत सब जानू मैं चौधरी, मरसले वो न पंगा जी चांदनी मन दामन में बांधी खुशी, झुम 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 मरे हिबड़ा में जागी, टोकनी र चंदा में थारी, चांदनी मन दामन में बांधी खुशी, झुम
अच्छा ये जो सॉन्ग है चौधरी, इसका भी मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। अच्छा हुआ क्या था कि प्रेप क्लास से तुम्हारे मोहित ने सबसे पहले गाने की शुरुआत करी, उसके बाद में पढ़ाई पर ध्यान करा। मैं पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट था, मतलब पढ़ाई करता था, बड़ा सिंसियरली करता था, लेकिन मम्मी कहती थी बच्चों ने तू सिंसियर है, तू शैतान ज्यादा शैतान नहीं है, अभी तो बहुत शैतान हूँ मैं, तो ज्यादा शैतान नहीं है, तू सिंसियर बच्चा है। और मेरे मतलब बचपन से बहुत सारे ड्रीम्स थे। मैं पहले सबसे पहले मेरे को याद है मैं ना पहले पायलट बनना चाहता था, उसके बाद में डॉक्टर बनना चाहता था, उसके बाद में मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, उसके बाद में मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना था, उसके बाद में मैं जब 11th में आया तब है ना मेरे को बायोटेक इंजीनियर बनना था, बायोटेक्नोलॉजी क्या बोल रहा हूँ मैं भी अभी मेरे सारे जो भी बायोटेक्नोलॉजी वाले दोस्त लोग हैं साथ वाले टीचर का सब मेरे को मारेंगे, सही से नाम भी नहीं बोल पा रहा हूँ। तो 11th क्लास में जब मैं आया तो मेरे को बायोटेक्नोलॉजी का इंजीनियर बनना था, बढ़िया सा कुछ मतलब इन्वेंट करना था, साइंटिस्ट बनना था बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, क्योंकि मुझे दवाई इन्वेंट करनी थी जिससे सब लोग दुनिया में ठीक हो जाएं। जब बचपन में पायलट बनना चाहता था तो फिर इसलिए बनना चाहता था कि मैं अपनी टीचर्स जो है ना, मेरी हिंदी की टीचर थी एक बहुत प्यारी सिंह, तो मैं हिंदी की टीचर कहता था मैम मैं ना आपको अपने प्लेन में घुमाऊंगा इसलिए मैं पायलट बनना चाहता हूँ। तो बड़ा अजीब सा था मैं, अजीब सा हूँ मैं तो खैर। तो ऐसा सा कुछ बचपन बीता मेरा कि मतलब कुछ भी बनना चाहता था, कुछ भी जब जो मर्जी हो गई उसके लिए कहते कि मेरे को तो ये बनना है तो मेरे को तो ये बनना है, कुछ फिक्स नहीं था अपनी लाइफ में, जहाँ प्यार मिला जहाँ खुशी मिली वहां चले गए अपन। तो बस ऐसे ही चलते चलते अपनी मस्ती में मस्त होके मैंने सीख लिया, क्या सीख लिया, सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। दहलीज पे मेरे दिल के जो रखे तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे ऐसी कुछ भी सोचता था मैं, सोचता हूँ अभी भी। सबसे मेजर जो चेंज आया सोच में वो आया था 10th क्लास में। तो 10th क्लास में मैं टीवी पर, सब अपन टीवी तो देखते ही हैं, तो उस टाइम इंडियन आइडल बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था, तो इंडियन आइडल में देखता था, उसमें उदित नारायण जी मतलब मेन जज में से एक थे। तो उदित नारायण जी का उसी टाइम पर स्वदेश मूवी रिलीज हुई थी जिसमें वो गाना था एक, ये तारा वो तारा हर तारा देखो जिससे भी लगे प्यारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा, जगमग तारे है तारे दो तारे सौ तारे जगमग सारे हर तारा है शरारा। तो स्वदेश मूवी रिलीज हुई थी, स्वदेश मूवी के सॉन्ग्स रिलीज हुए थे और AR रहमान सर का उसमें म्यूजिक था, तो मैं AR रहमान सर का वंदे मातरम सॉन्ग से बहुत बड़ा फैन था, फिर जब स्वदेश मूवी में उनके गाने सुने मैं तो और ज्यादा फैन हो गया, और उदित नारायण जी उस टाइम इंडियन आइडल में भी आते थे, उनके सॉन्ग्स भी रिलीज हुए थे, तो मैं और ज्यादा फैन हो गया उनका, तो मैं उनके गाने गाता रहता था स्वदेश मूवी के। तो एकदम से मेरा बेस्ट फ्रेंड है लाइफ का निखिल खंडेलवाल। अच्छा देखो मैं तुम्हें अपनी लाइफ के और कुछ चीजें बता देता हूँ। मेरी लाइफ में ना मेरे चार सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड, मतलब सब बेस्ट फ्रेंड है मेरे, बहुत सारे अच्छे दोस्त है, पर जो चार सबसे लाइफ के सबसे कीमती दोस्त है ना मेरे, वो है एक सबसे पहले जो मैंने था निखिल खंडेलवाल, पागल लड़के, अगर तू ये देख रहा है तो बस तू क्या कहूँ तेरे को, पागल लड़का बोल दिया बस काफी, अब समझ जा। दूसरी बार मेरा है ना सबसे बेस्ट फ्रेंड बनी राजनंदिनी कश्यप, याद है जिसके लिए मैं उसको सरप्राइज देने पुणे गया था उसके कॉलेज में, उसका भी लाइव चैट किया था, लाइव वीडियो किया था अपन ने, याद हो तो। और
तीसरा मेरा आकर्ष बवेजा और चौथे मेरे बड़े भैया अर्चित भैया। तो और ऐसे मेरा एक और दोस्त है, बेस्टी है, दीपक दीक्षित, और मतलब ऐसे मेरे कुछ कुछ बहुत बहुत क्लोज दोस्त है लाइफ के। तो सबसे पहले निखिल ने ना मुझे कहा कि यार मोहित तेरी आवाज तो उदित नारायण जैसी सर की जैसी साउंड करती है और तुम के गाने बड़े प्यारा गाता है, तो सिंगिंग क्यों नहीं ट्राई करता है। ओ भाई साहब, मेरे को लगा कि यार क्या बात कर रहे हैं, मैं और सिंगर, मैं मतलब कभी सोचा कि सिंगर बनना, मैं तो 10th में सोच रहा हूं मैं तो एस्ट्रोनॉट बनूंगा। और मतलब फिजिक्स वगैरह मेरे को बहुत पसंद है, फिजिक्स और मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में था, फिजिक्स मैथ्स और बायोलॉजी। तो है ना, मैंने कहा कि ठीक है यार, अगर तू कह रहा है कि मतलब सिंगिंग में अच्छी करना, शायद सच में अच्छी करता हूँ। उसी टाइम पर हमारी बहुत अमेजिंग टीचर हुआ करती थी हिंदी की, चंद्रकला शास्त्री मैम। तो चंद्रकला मैम से हम, मैं और निखिल है ना, हमको लिखने का भी शौक बड़ा था, तो हम कुछ कुछ पोएम्स वगैरह लिखते रहते थे। चंद्रकला मैम ने हमें बहुत मोटिवेट किया, वो खुद बहुत अच्छी पोएट थी, पोएट हैं, तो उनकी पोएम से मैं और निखिल इंस्पायर होते कि यार हमें भी लिखना है, हमें भी लिखना है। तो उसी टाइम 10th की क्लास के टाइम पर ही है ना, मतलब मैंने लिखना भी शुरू कर दिया, मैंने कॉम्पोज करना भी शुरू कर दिया, और सिंगिंग में थोड़ा इंटरेस्ट था, और है ना मतलब निखिल ने और बाकी दोस्तों ने चढ़ा दिया मेरे को तो कि भाई तू तो बहुत फाड़ू गाता है, ये वो। तो मैंने कहा कि ठीक है यार मैं भी गा लूंगा। तो फिर मैंने गर्मियों की छुट्टियों में, मधुभट टैलिंग जी हैं हमारे वहाँ जयपुर में, बहुत बहुत अमेजिंग टीचर हैं, तो एक राजस्थान पत्रिका हमारे वहाँ न्यूज़पेपर चलता है, तो उसकी क्लासेस होती थी, समर क्लासेस होती थी, समर वेकेशंस की। तो है ना वो पत्रिका क्लासेस हुई थी, तो उसमें मैंने मधुभट टैलिंग जी से मैंने सिंगिंग सीखी, 18 दिन का वर्कशॉप थी, तो मैंने सिंगिंग सीखी, कुछ रागे उन्होंने सिखाई थी, बहुत अमेजिंग टीचर है वो, बहुत बहुत अमेजिंग पर्सन है मधुभट टैलिंग जी। अगर यार वो बहुत अमेजिंग है मेरी लाइफ की, मतलब सबसे पहली एक तरह से टीचर वही थी जिन्होंने सबसे पहले मैंने उन्हीं से 18 डेज की वर्कशॉप ली थी सिंगिंग की। तो फिर उसके बाद में गर्मियों की छुट्टी जो बची हुई थी जून की जो मंथ था, मई और जून दो महीने छुट्टी होती है हमारे गर्मियों की हमारे जयपुर में हमारे स्कूल में। तो है ना मई में तो मैंने है ना वर्कशॉप ली, और फिर है ना जून की गर्मी की छुट्टियों में नाना जी के वहां उदयपुर चला गया। तो उदयपुर जाते टाइम हुआ क्या कि मैंने नाना जी को सबसे पहले मेरा गाना सुना, नाना जी मैं तो ना सिंगिंग वगैरह मेरे को बहुत पसंद आने लग गई है, और 10th के बाद में सब्जेक्ट्स लेना है, तो मैं सब्जेक्ट्स क्या लूं। तो है ना नाना जी ने कहा कि है ना तेरे को क्या लग क्या रहा है, तेरे को क्या लेना है। मैंने कहा नाना जी वैसे तो देखो मैं फिजिक्स मैथ्स और बायो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं सोच रहा हूँ बायो साइंस मैथ्स बायो सब्जेक्ट ले लूंगा, पर मेरे को ना म्यूजिक और भी ज्यादा पसंद आ रहा है, मैं आपको गाकर सुनाऊँ, मैंने वर्कशॉप भी ली और मैंने थोड़ा बहुत सीखा भी 18 डेज में, तो मैं आपको गाना गाकर सुनाता हूँ। तो नाना जी मेरे प्रोफेशनल फोक सिंगर, नाना जी ने कहा ठीक है मोहित सुना, मोहित नहीं सॉरी वो चीनू कहते हैं, मैं अभी मोहित बोल दिया, तो नाना जी कहा चीनू मेरा पेट नेम है। तो नाना जी ने कहा कि चीनू चल सुना गाना क्या सीखा है तुमने, तो देखो कैसा गाता है तू। तो मैंने दिल खोल के गाया उनके गाना, उनके सामने गाना गाया, मैंने कहा कि मैं नाना जी मैं कॉम्पोज भी करता हूँ, मैंने खुद के जो एक दो जो सॉन्ग्स कॉम्पोज किए थे उस टाइम मैंने वो भी सुना है। तो नाना जी ने कहा कि देख चीनू तू गाता है बेसुरा गाता है, तू बेताला गाता है, और तेरा म्यूजिक में कोई स्कोप नहीं है, और तू म्यूजिक को हॉबी ही रख, इसको पैशन मत बना। मतलब मैं जानता हूँ कि नाना जी खुद प्रोफेशनल फोक सिंगर थे ना, तो नाना जी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिक में स्ट्रगल कितनी है, तो मैं जानता हूँ तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, तू मत जाना इस फील्ड में, तेरे लिए ये फील्ड नहीं बनी है, तू इतना टैलेंटेड नहीं है, मतलब अभी तो नहीं है कम से कम। तो नाना जी ने ऐसा कहा, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार चलो कोई दिक्कत नहीं, म्यूजिक पसंद है इसलिए करूंगा। तो मैंने नाना जी से ये पूछा कि नाना जी कैसे मैं क्या करूं कि जिस वजह से मैं और अच्छा गा पाऊं, मैं बेसुरे से सुरीला हो जाऊं, या मैं मतलब ताल मेरे को समझ में जाए, म्यूजिक समझ में आने लग जाए। तो नाना जी ने उस टाइम उनका हारमोनियम था, तो हारमोनियम पर मेरे को कहा कि तू सा का रियाज कर, तो एक नोट बचा था हारमोनियम पे, जैसे मान लो ये नोट है तो सा जो भी नोट है, जो भी सुर है, उस सुर से अपनी आवाज मैच कर, और है ना तेरी धीरे धीरे है ना सुर की नॉलेज बढ़ेगी, और तो मतलब तेरी आवाज सुर में आती जाएगी धीरे धीरे। तो नाना जी को मैंने कहा कि नाना जी मेरे घर पर तो हारमोनियम नहीं है, जयपुर में जहाँ मेरा घर है वहां पर हारमोनियम था नहीं, मैं कभी म्यूजिक में इतना सीरियस नहीं था, तो मैं वहां पर कैसे रियाज करूं। तो नाना जी ने एक ट्रिक बताई मेरे को, तो ये ट्रिक मैं तुमको बता रहा हूँ कि नाना जी ने कहा तुझे जो भी साउंड सुनाई दे रही ना, भले वो पंखे की जो भी साउंड, एक मतलब एक फिक्स साउंड आ रही है, मतलब लगातार कंटिन्यूअसली एक फिक्स साउंड बज रही है, जैसे मान लो पंखे का घूमना हो गया सक 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 तो सा, जैसे अभी एसी का चलना हो गया, कूलर का चलना हो गया, कोई भी कंसिस्टेंट साउंड है जो तुझे सुनाई दे रही है, उसको सा मानकर, उसको मतलब बेस मानकर, उस पर आवाज की प्रैक्टिस कर, और इस तरह तू सा लगाना शायद सीख जाए। तो मैं ऐसे ही कुछ भी करता था, और उस टाइम मेरी एज क्या थी, 16 इयर्स का था मैं, 15-16 इयर्स का था। तो नाना जी ने कहा कि 18 साल तक ना आवाज आवाज
डेवलप होती है, मतलब एक मैं एक आवाज डेवलप होती है, तो तेरी आवाज अभी बहुत बंधी हुई है, इसको खोलना है। तो खोलने के लिए क्या कर, तू आवाज को यूज कर और चिल्ला। नाना जी ने कहा चिल्ला, जितना चिल्ला सकता है तेरी आवाज खुल जाएगी। तो मैं, तुम यकीन नहीं मानोगे, मतलब क्या करता था मैं घर में जब जयपुर गया गर्मी की छुट्टियों के बाद में, तो मैं जोर जोर से है ना आवाज तो मिलाता ही था, सुर तो मिलाता था, कूलर की आवाज से, पंखे की आवाज से, किसी की भी आवाज से। मैं सबसे ज्यादा एक काम करता था, मैं चिल्लाता था जोर जोर से। हमारे घर में ड्राइंग रूम होता था, ड्राइंग रूम में कोई और नहीं आता था मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। मैं अकेला वहां पर पढ़ा रहता था अपनी कॉपी और पेन लेकर, कॉपी और पेन में मुझे गाने लिखना बहुत पसंद था, कुछ भी पोएम लिखना बहुत पसंद था, तो वो लेकर बैठ जाता था और चिल्लाता था जोर जोर से। कैसे चिल्लाता था, तो अब शुरुआत करी मैंने चिल्लाने की, तो थोड़े दिन तो सबने झेला, मम्मी पापा भाई बहन सबने झेला कि ठीक है यार चीनू को नया नया शौक चढ़ा गाने का। अभी कल परसों कह रहा था एस्ट्रोनॉट बनना है, उससे पहले कह रहा था डॉक्टर बनना है, तो इसको नए नए शौक चढ़ते रहते हैं, ठीक है अब कह रहा है कि सिंगर बनना है, चिल्लाने तो जितना चिल्ला सकता है। तो मैं थोड़े दिन तो सबने झेला और मैं भी चिल्लाता जोर जोर से चिल्लाता, आस पड़ोस वाले क्या सोच रहे, कुछ फर्क नहीं अपन को, अपन को कभी किसी चीज का फर्क नहीं पड़ा, जो जो दिल में अच्छा लगता ना अपन वो करते हैं हमेशा से। तो है ना मैं ऐसे चिल्लाता ना जोर जोर से। तो एक दिन मम्मी ने बहुत डांट दिया मेरे को, चीनू पागल हो गया क्या, तू कैसे चिल्लाता है, बहुत शोर करता है घर में, आस पड़ोस वाले पागल कहते हैं तुझे, और ये सब बंद कर चिल्लाना, हमारे सर में दर्द हो रहा है, इसको गाना नहीं इसको चिल्लाना कहते हैं, तू गाना नहीं गाता तो चिल्लाता है, अपना ये वहम दूर कर कि तू सिंगर है, तू बस एक चिल्लाने वाला पागल लड़का है। तो मैंने कहा कि नहीं यार, अब नाना जी ने कहा आवाज खोलनी है और उसके लिए चिल्लाना है, तो चिल्लाना तो मुझे है ही। अब मैंने क्या ट्रिक लगाई कि मैं करीबन एक साल तक मैं कैसे चिल्लाता था मैं तुमको बताता हूँ। पहले मैं चिल्लाता था और उसके बाद में जब शोर वगैरह सब होने लग गया, लोग डिस्टर्ब होने लग गए मेरे जैसे, तो मैंने ट्रिक अपनाई और सिंपल सी ट्रिक थी कि चिल्लाना है और चिल्लाने की कसर भी पूरी करनी है और आवाज भी नहीं करनी, शोर भी नहीं करना है। तो मैं मुंह पे तकिया रखकर चिल्लाता था ऐसे, तो ऐसा सा मैंने ये ट्रिक अपनाई थी और इससे मैंने एक साल खुद की आवाज को चिल्ला चिल्ला कर खोला और रियाज भी करता रहा। पता नहीं इसने काम क्या नहीं किया, उसके बाद मैंने सीखना चालू किया, मैंने बहुत अमेजिंग टीचर से मैंने सीखा। मेरे बहुत अमेजिंग टीचर है वैभव सर और आशीष सर, जिनसे मैंने गिटार सीखा था, आकर्ष मेरा बेस्ट टीचर से मैंने गिटार सीखा था। ओह ये सब तो बहुत बात की बात है, उससे पहले बीच में क्या हुआ वो भी बताऊं क्या यार, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। मैं देख रहा हूँ अभी अभी मतलब 17 मिनट्स हो चुके हैं और मैं अभी बोल रहा हूँ और अभी कहानी का बस एक छोटा सा पार्ट हुआ है। तो ये इस कहानी को मैं चाहता हूँ, इस कहानी को अपन आगे कंटिन्यू करें, और जाने से पहले मैं तुम सबके रिप्लाईज दूं और कहानी अपन कहाँ पर रोक रहे हैं ये भी बता रहा हूँ। कहानी हम रोक रहे हैं मेरी क्लास 11th में, जब मैंने सब्जेक्ट्स फाइनली ले लिए साइंस मैथ्स बायो का, और उसके बावजूद मैंने सोचा कि म्यूजिक मुझे पसंद है, भले ही मैं इसमें मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ, नाना जी ने कहते कि ये तेरी हॉबी ही रख इसको, इसको पैशन मत बना, तू उसके लायक नहीं है। उसके बावजूद भी आई जस्ट केप्ट ऑन लविंग म्यूजिक, बिकॉज आई लव म्यूजिक, आई जस्ट लव टू सिंग, आई जस्ट लव टू लिसन टू पीपल, लिसन टू म्यूजिक, एंड मुझे गाने बनाना बहुत पसंद आ गया था, पोएम्स लिखना, क्रिएट करना। तो इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट संडे को अपन कंटिन्यू करेंगे, और जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं तुम सबके मैसेजेस पढ़ूँ, सॉरी मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं क्या कहता हूँ उसको वाकई में लिटरली भावनाओं में बह गया और मैं अपनी बातें बताने लग गया उल्टे सुलटे तरीके से, कभी कहाँ की कभी वहां की, पता नहीं तुम्हें समझ में आई नहीं समझ में आई, पर इस क्वेश्चन को तुमने मुझसे पूछा, तो जिन्होंने पूछा उनको मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा यार ये कमेंट पढ़ के तुम्हारा, कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो जर्नी स्टार्ट हुई हमें सीधे साधे अक्षय से, जर्नी चालू है और चालू रहेगी। अभी हम खत्म कर रहे हैं हमारी 11th क्लास की स्टोरी तक, जब मैंने सबसे पहले साइंस मैथ बायो ली। आई होप मैंने तुम्हें कम बोर किया हो, बोर तो किया है पर कम बोर किया हो। और जाने से पहले हम करेंगे खूब सारी बातें एक दूसरे के साथ में, तो लेट मी सी योर कमेंट्स। और निशा अरमान खान कह रहे हैं ओ माय फेवरेट सॉन्ग सिंगर फिर मुझे दिल से पुकार तू। अरे अरमान दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। अरमान जाने से पहले मैं कुछ लाइनें फिर मुझे दिल से पुकार तू तुम सबके लिए गाना चाहता हूँ। तो ऐसा है, तेरी बाहों के सिराने रह लूं अब से, जब से तू मिला है मैं रूठा नींद से, ओ यारा बिन तेरे जीना मुमकिन नहीं, फिर मुझे दिल से पुकार तू, कह दे मेरा एक बार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हौले हौले थोड़ा सा सुधार तू। तो ये सॉन्ग की थोड़ी सी लाइनें हो गई,
और हादिया फुरकान कह रही है, मोहित मैं पाकिस्तान से हूँ, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच हादिया। सोहनी दास गुप्ता कह रही है से हाय टू मी, हाय सोहनी, हाय शुभम गुप्ता, हाय मीत पटेल, हाय अमित पाटीदार, हाय केयू राणा, हाय शुभम गुप्ता, हाय रुचिता साठे, हाय प्रद्युमन सिंह, ख्वाहिश शेख, हेलो मिली जरीवाला, हाउ वाओ हाउ ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू सो मच। और बस अभी अब अपन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, नेक्स्ट सुपर संडे में मिलेंगे। बाय बाय अभय कुमार, बाय साक्षी लखानी, बाय सूर्यांश, एंड फिर से वापस से मिलेंगे, फिर से लाइव चैट कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, स्टोरी कहाँ खत्म हुई है, 11th क्लास की अपनी स्टोरी पे, जब मैंने साइंस मैथ्स बायो और सब्जेक्ट लिए थे और मैं म्यूजिक में कुछ करना चाहता था, इच्छाएं थी, तो ये स्टोरी याद रखना कहाँ पर खत्म की है। नेक्स्ट लाइव चैट में तुमसे पूछूंगा कि स्टोरी कहाँ से कंटिन्यू करनी है और तुमको बताना है, तो याद रखो, ठीक है। चलो, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।